हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल सिविस फिजिक्स ट्यूटोरियल। आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में है लेक्चर नंबर 9। इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स ऑन सर्किट डायग्राम। जो भी कैपेसिटर की सर्किट है वो किस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे वो, ठीक है? तो ये पूरा वीडियो लेक्चर देखना, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल चैनल सिविस फिजिक्स ट्यूटोरियल। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कैपेसिटर में, कैपेसिटर का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है, ठीक है? तो यस्टरडे हम लोगों ने डिस्कस किया था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज उसी टॉपिक पे आगे जाएंगे और कैसे डिफरेंट डिफरेंट सर्किट डायग्राम में से सी इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेम मेथड चैप्टर नंबर 3 में जब हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स में निकालेंगे वहाँ पे भी ये काम आएगा, ठीक है? तो चलिए आप और हम मिलकर स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर 3 कैपेसिटर सीरीज में है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/C eq इज इक्वल टू 1/C1+1/C2+1/C3, और पैरेलल में है तो हम इसका एडिशन कर सकते हैं। ये हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था। देखो बच्चों, यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन हमें ऐसा पूछा है, फाइंड द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में सी इक्विवेलेंस निकालिए, बराबर ऐसा क्वेश्चन में पूछेंगे। फाइंड द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, देखो कुछ नहीं करना है, जो भी स्टेप्स ध्यान से समझना, जिस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड करना है वहां पे एक बैटरी कनेक्ट कर दो। देखो मैंने यहां पे ए और बी के बीच में बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है? अभी ये सब वायर ही है तो वायर पे हम पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो यहाँ पे ये बैटरी का पोटेंशियल मान लो V है, ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, पोटेंशियल V नहीं है। इसका मीनिंग क्या होता है, जो छोटा वाला डंडा है इसके ऊपर पोटेंशियल 0, जो बड़ा वाला डंडा है इसके ऊपर पोटेंशियल V, इसका अब डिफरेंस करो V माइनस 0 तो V आएगा। इज इट क्लियर? इसका मीनिंग क्या होता है, बैटरी देखो आप लोगों ने बैटरी सेल देखा होगा, एक टर्मिनल सेल का यहाँ पे रहता है, एक टर्मिनल यहाँ पे रहता है, तो ये पॉजिटिव माना ये नेगेटिव माना, पॉजिटिव टर्मिनल से ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो पॉजिटिव टर्मिनल से ये वायर जुड़ा हुआ है, सिमिलरली नेगेटिव टर्मिनल से ये वायर जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे वायर जहाँ पे कंटिन्यू होता है वहाँ पे पोटेंशियल वी रहेगा। देखो यहाँ पे ये वायर यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू रहता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये पूरे वायर पे यहाँ पे पोटेंशियल वी, यहाँ पे पोटेंशियल वी, यहाँ पे पोटेंशियल वी, और यहाँ पे भी पोटेंशियल वी, ये पूरे वायर पे पोटेंशियल कितना रहेगा, वी रहेगा। सिमिलरली देखो यहाँ पे ये पूरे वायर पे यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, ये वायर कहाँ पे जाता है, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, बीच में कैपेसिटर नहीं आना चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो पूरा पोटेंशियल क्या रहेगा आपका, उस वायर पे ज़ीरो रहेगा। अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस वी है, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस वी है, इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो याद करो किस चीज में पोटेंशियल सेम रहता था, पैरेलल या सीरीज में, तो पैरेलल में। इसका मीनिंग क्या है कि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर पैरेलल में है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो दिस वन इज जीरो पॉइंट, दिस वन इज वी पॉइंट, तो जीरो और वी के बीच में एक कैपेसिटर, जीरो और वी के बीच में दूसरा कैपेसिटर, जीरो और वी के बीच में ये तीसरा कैपेसिटर, सी सी सी। सर सीरीज में क्यों जॉइंट नहीं किया, अगर सीरीज में जॉइंट करते तो इसका पोटेंशियल चेंज हो जाता ना, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो देखो ये सभी का पोटेंशियल सेम वी वी वी, तो अभी इसका सी इक्विवेलेंस निकालना आसान हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या बनता है, एडिशन कर दो, तो सी इक्विवेलेंस क्या मिलेगा हमें, सी प्लस सी प्लस सी, सो ओवर आंसर इज 3C। इज इट क्लियर, समझ में आया क्या? ओके देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, सेम क्वेश्चन पूछा है, फाइंड सी इक्विवेलेंस, कुछ नहीं करना है मैंने आपको बताया, क्या करेंगे एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे, तो एक बैटरी कनेक्ट कर दो, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, इसका मीनिंग क्या होता है कि देखो यहाँ पे
यहाँ पे पोटेंशियल हमारा रहेगा V और यहाँ पे पोटेंशियल हमारा रहेगा जीरो। तो देखो यहाँ पे ये पूरा वायर वायर यहाँ पे आता है, यहाँ कहीं पे बीच में कैपेसिटर नहीं है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे भी पोटेंशियल हमारा रहेगा जीरो, यहाँ पे जीरो तो यहाँ पे भी जीरो। तो आपको दिखाई दे पड़ता है जीरो और वी के बीच में टोटल कितने कैपेसिटर है, 1 2 3। तो ये तीनों सीरीज में लगते हैं, ये तीनों किस में है, सीरीज में। तो सीरीज में इसका आंसर क्या आएगा, सोचो इसका कैपेसिटेंस आपको दे रखा है सी सी सी, इसको मैं बोल देता हूँ 1 2 3 4। तो हियर 1 2 3 आर इन सीरीज, ये तीनों सीरीज में है, तो इसका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस क्या निकलेगा, 1 अपॉन C' इज इक्वल टू 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C इज इक्वल टू 3 अपॉन C। तो C' की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, C/3। तो इसका ये इसका आंसर मुझे मिल गया। अभी देखो ये इसके साथ ये वाला जो कैपेसिटर है वो सीरीज में नहीं है, अरे सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे जीरो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल पे ये वायर कंटिन्यू नहीं है, कैपेसिटर आ गया, तो ये कैपेसिटर अलग है। और यहाँ पे देखो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ वो, ठीक है सर, यहाँ पे भी तो आपने पोटेंशियल वी लिया, तो ये वायर कंटिन्यू थोड़ी ना है, अरे बाबा ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो इसीलिए तो मैंने इसको सीरीज में लिया ना, सबका पोटेंशियल अलग अलग है V1 V2 V3 का, इसीलिए जीरो और वी के बीच में, यहाँ पे देखो पोटेंशियल सेम था जीरो और वी के बीच में, जीरो और वी के बीच में, जीरो और वी के बीच, इसीलिए मैंने पैरेलल में लिया, यहाँ पे जीरो और वी के बीच में पोटेंशियल इसका क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो मैंने किस में लिया, इसको सीरीज में लिया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे या ये कौन सा पॉइंट है मुझे पता नहीं है, इसको x एज्यूम कर लो, क्या एज्यूम कर लो, x, ठीक है। चलो सीरीज पैरेलल की छोड़ो, आप पहले इसको अरेंज करना सीखो, आपको वो इजी रहेगा। देखो यहाँ पे ये पोटेंशियल v, यहाँ पे ये पोटेंशियल जीरो, और यहाँ पे कुछ नहीं था तो मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे जो एक दूसरी मेथड मैं आपको बताता हूँ, बहुत ईजी है, देखो यहाँ पे दिस वन इज जीरो, दिस वन इज v, इसके बीच में x रखना, तो दिस वन इज x, ओके। नाउ सी हियर, जीरो और एक्स के बीच में कितने कैपेसिटर है, वन, तो ये रहो जीरो और एक्स के बीच में वन कैपेसिटर, समझ में आ रहा है क्या, एक्स और वी के बीच में है कोई, एक्स और इसको बोलेंगे हम एक्स और वी के बीच में कुछ नहीं है, सिंपल वायर है, तो देखो यहाँ पे एक्स और वी के बीच में कुछ नहीं है, खाली वायर है, सॉरी एक्स और वी के बीच में कुछ नहीं है, ओके। नाउ देखो यहाँ पे जीरो और वी के बीच में कितने कैपेसिटर है, 1 2 3, तो देखो यहाँ पे जीरो और वी के बीच में, अभी यहाँ पे हम नहीं डिफाइन कर सकते, इसको यहाँ से ऐसे ले जाना पड़ेगा, जीरो और वी के बीच में तीन कैपेसिटर है, कितने कैपेसिटर है, तीन। तो इस डायग्राम को आप इस हिसाब से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहाँ से आपको दिखाई दे पड़ता है कि ये तीनों किस में है, सीरीज में है, तो सीरीज में क्या बनता है, ये वाला 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो अभी हम लोगों ने फाइंड किया था, मैं इस ये तीनों का इक्विवेलेंस को C' बोल देता हूँ, इसका आंसर मुझे क्या मिलेगा, C/3। नाउ आप चेक करो, ये वाला और ये वाला पैरेलल में है, यार पैरेलल दिख रहा है कि नहीं, ओके। तो सी इक्विवेलेंस हमें क्या मिलेगा, सी इक्विवेलेंस इज इक्वल टू ये C/3 प्लस ये सी, 3 1 3 प्लस 1 4 C/3, समझ में आ रहा है क्या, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है 2 3 बार रिवाइंड करके देखिए, स्टेप्स को माइंड में उतारिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, क्लियर। देखो एक और बढ़िया सा एग्जांपल, इसमें ये दोनों में अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो इसमें डेफिनेटली पूरा समझ में आ जाएगा। देखो सेम पूछा है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, कुछ नहीं करना है, क्या करना है हमें, सिर्फ एक बैटरी को कनेक्ट कर दो, बैटरी को कनेक्ट कर दिया, इसका पोटेंशियल V, इसका मीनिंग यहाँ पे V और यहाँ पे क्या होता है, जीरो। मैंने आपको क्या बताया, ये पूरे पे V रहेगा तो यहाँ पे भी V आएगा, यहाँ पे V तो यहाँ पे भी क्या आएगा, V आएगा, इज इट क्लियर, समझ में आया क्या, ओके। चलो यहाँ पे जीरो, तो ये देखो यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे भी जीरो, अगर यहाँ पे जीरो है तो देखो अभी ये पूरा वायर नहीं है, ख़त्म, मैं यहाँ पे अटक गया अभी, अरे सीधी सी बात है, यहाँ पे V था तो ये वायर, चलो ये रूट पे सभी लाइनें व्यस्त है, लेकिन ये रूट तो मेरे लिए ओपन है, तो ये रूट में मेरे पास V बचेगा, ठीक है।
ये रूट मेरे लिए बिजी बन गया, यहाँ पे बीच में कैपेसिटर आ गया, कैपेसिटर के आगे पीछे पोटेंशियल डिफरेंस वेरी होता है, यहाँ पे वी तो आप यहाँ पे वी नहीं लिख सकते, तो मैं अटक गया। अभी मैं क्या करूँ, जहाँ पे मैं अटकूँ वहाँ पे आप कुछ एक्स एज्यूम कर लो। देखो यहाँ पे मैंने एज्यूम कर लिया एक्स, तो ये देखो ये पूरा वायर कनेक्टेड है, इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे भी एक्स आएगा और यहाँ पे भी एक्स आएगा, समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक्स, ये पॉइंट भी एक्स, ये पॉइंट भी एक्स, इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम, जहाँ पे अटको वहाँ पे मैंने क्या, अटकेंगे कहाँ पे, अगर वायर कंटिन्यू है तो अटकना नहीं है, बीच में कैपेसिटर आता है तो अटक जाओ, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, यहाँ पे मैं अटक गया क्योंकि ये वायर पता नहीं कहाँ से लगा के रखा हुआ है, तो मैंने इसको एक्स एज्यूम कर लिया, तो ये पूरा वायर कंटिन्यू है, तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे भी एक्स, इज इट क्लियर। देखो मैं इसको यहाँ पे रीअरेंज करता हूँ, कैसे लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे हम जीरो, जीरो और वी वो तो लिख डालने का, इसके बीच में एक पॉइंट ले लो एक्स, इज इट क्लियर। नाउ इसको अरेंज करते जाओ, देखो कैसे अरेंज करेंगे, वो यहाँ पे तो वी है, तो एक्स और वी के बीच में एक कैपेसिटर, एक्स और वी के बीच में एक कैपेसिटर, ये वाला एक कैपेसिटर, आगे बढ़ते हैं, एक्स और वी के बीच में दूसरा कैपेसिटर, तो एक्स और वी के बीच में पोटेंशियल सेम है, इसलिए पैरेलल कर रहा हूँ मैं, सर सीरीज क्यों नहीं कर रहा, ये बात समझो, पोटेंशियल सेम तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसका पोटेंशियल सेम रहेगा ना एक्स वी, इसका भी पोटेंशियल सेम होगा एक्स वी। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो यहां पे, नाउ नेक्स्ट वन, ओके ये x और v एक आ गया, ये x और v दूसरा आ गया, ये दोनों के बीच में देखो, देखो x और v ठीक है, तो x और v में एक और आ गया, ठीक है, तो x और v में एक पैरेलल में एक और आ गया, वेरी गुड। अभी एक बहुत ही अच्छी चीज आपको यहां से जानने को मिलेगी, ये वन, ये टू, ये थ्री, अभी ये दोनों के बीच का पोटेंशियल आप देखो, इसका भी पोटेंशियल एक्स, इसका भी पोटेंशियल एक्स, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है एक्स और एक्स, अरे समझ में आ रहा है, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है एक्स और एक्स, इसका मीनिंग क्या होता है, इसमें से करंट फ्लो, चार्ज फ्लो ही, अरे पोटेंशियल सेम तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, हमने पढ़ा था चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो यहाँ पे हमारा कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा, तो ये कैपेसिटर कैंसिल हो जाएगा, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बचा जीरो और एक्स, जीरो और एक्स, जीरो और एक्स के बीच में कितना कैपेसिटेंस है, वन कैपेसिटर है, तो यहाँ पे आ गया जीरो और एक्स के बीच में वन, एक बार वेरीफाई कर लो आप कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो देखो कैपेसिटर टोटल है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, लेकिन हमें मिले कितने टोटल, फोर मिले, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल क्या बन जाता है, इक्वल, अगर पोटेंशियल इक्वल बन जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है क्या, ओके देख लो एक बार आप, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ सी हियर, जहाँ पे पोटेंशियल सेम रहता है ना वहाँ पे चार्ज फ्लो नहीं करता, तो ये कैपेसिटर हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस सभी का हमें दिया है सी 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 सी, तो देखो यहाँ पे ये तीनों किस में है, सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या होता है, देखो एडिशन होता है, तो इसका इक्विवेलेंस देखो यहाँ पे ये सी और इसका आंसर क्या आएगा, सी प्लस सी प्लस सी, तो इसका आंसर आएगा थ्री सी, समझ में आया, इसको लिखना है यहाँ पे वन अपॉन सी इक्विवेलेंस इज इक्वल टू वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन सी इज इक्वल टू थ्री अपॉन सी, तो सी इक्विवेलेंस सी बाई थ्री हो जाए, सॉरी माई मिस्टेक, पैरेलल में है ना, पैरेलल में एडिशन होता, तो सी इक्विवेलेंस इज इक्वल टू सी प्लस सी प्लस सी, तो यहाँ पे बन जाएगा थ्री सी, तो ये बन गया थ्री सी, इज इट क्लियर। अभी देखो मुझे जीरो और वी, इसका मीनिंग होता है दिस पॉइंट इज ए और बी, तो ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो सीरीज में क्या बनता है, तो फाइनल अवर आंसर सी इक्विवेलेंस इज इक्वल टू सीरीज में ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन, तो व्हाट इज द आंसर, थ्री सी स्क्वायर मीन्स थ्री सी बाई फोर, दिस वन इज अवर आंसर, तो इसका आंसर हमारा क्या आया, सी इक्विवेलेंस इज इक्वल टू थ्री सी बाई फोर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझने की ट्राई करना, ठीक है।
वेरी वेरी, ये बहुत ही इजी मेथड है, बैटरी को कनेक्ट करके पोटेंशियल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो और आपको पता चल जाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है क्या? ओके चलो ये नोट कर लेना, इसके बाद ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो यहाँ पे इन दिस क्वेश्चन हमें सेम पूछा है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, बहुत ही इजी रहते हैं। पहले देखो आपको कहाँ पे वायर कनेक्टिंग हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे ये जो वायर है ना, ये वायर, ये वायर, ये वायर, ओके तो ये वायर पूरा है कहीं से। देखो इसमें कोई रास्ते नहीं, पर एक ही रास्ता है, भले वायर में बैंड हो तो वो चलेगा, लेकिन है तो एक ही है ना पूरा। यहाँ पे बीच में कोई पॉइंट भी नहीं है कि जहाँ हमें पूछा है कि इसके बीच में फाइंड करो, तो ये पूरा वायर कनेक्टेड है। तो देखो सॉल्यूशन में मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हियर ये वाली ब्रांच सी डी एंड कौन सी डी ई, ये ब्रांच किस में है, सीरीज में है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, फोर और फोर सीरीज में होंगे। ठीक है, तो फोर माइक्रो फेराडे एंड फोर माइक्रो फेराडे आर इन सीरीज, ये दोनों सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है, देखो हमने लिखा है यहाँ पे सी वन सी टू अपन सी वन प्लस सी टू, तो इसका सी इक्विवेलेंट उसको मैं सी वन बोल देता हूँ। सी वन क्या, इसका आंसर, इसका आंसर को मैं बोल देता हूँ सी वन। क्या मिलेगा सी वन, ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन, क्या मिला मुझे आंसर, टू। ओके तो देखो इसका आंसर मुझे मिला टू, ये रहा, ये रहा ये दोनों का आंसर टू माइक्रो फेराडे। ठीक है, ये रहा हमारा फोर माइक्रो फेराडे, इज इट क्लियर। और ये दोनों किस में है, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो सीरीज में क्या होता है, इसका ये सी वन बोला तो इसको मैं सी टू बोल देता हूँ। सी टू इज इक्वल टू व्हाट, ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन, तो ये मुझे क्या मिला टू माइक्रो फेराडे, तो इसका आंसर भी मुझे क्या मिला टू माइक्रो फेराडे। समझ में आ रहा है क्या, ये रहा मेरा पॉइंट नीचे ए और नीचे बी, इसका मुझे सी इक्विवेलेंस निकालना है। तो सी इक्विवेलेंस इज इक्वल टू व्हाट, ये तीनों किस में है, पैरेलल में है, तो टू प्लस फोर प्लस टू, सो व्हाट इज द आंसर, एट माइक्रो फेराडे। समझ में आ रहा है क्या, स्टेप्स को फॉलो करना, इज इट क्लियर, कुछ नहीं रहा। ये दोनों किस में है, सीरीज में, ये आपको पता चलना चाहिए यार, कॉमन एक वायर है, तो कोई भी कैपेसिटर अगर एक वायर से कनेक्टेड है, अदरवाइज आप ऐसा भी सोच सकते हो, ये कैपेसिटर का प्लस चार्ज, ये माइनस प्लस माइनस, अगर माइनस प्लस के साथ कनेक्टेड है तो सीरीज, और पैरेलल में क्या होता है, देखो ये प्लस ये प्लस ये प्लस, तो ये भी प्लस प्लस प्लस, सभी वायर सभी प्लस प्लस के साथ कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल बनेगा, इस हिसाब से भी आप सोच सकते हो। तो देखो यहाँ पे ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, तो माइनस प्लस के साथ कनेक्टेड है, तो ये क्या बन गया, सीरीज बन गया। समझ में आ रहा है क्या, इज इट क्लियर। देखो ये कौन सा प्लस, ये भी कौन सा प्लस, देखो यहाँ पे ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो देखो यहाँ पे माइनस प्लस के साथ कनेक्टेड है, तो ये बन गया ये दोनों सीरीज में। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सीरीज में टू माइक्रो फेराडे। नाउ सी हियर, प्लस प्लस, इसका आंसर भी यहाँ पे प्लस आएगा, तो प्लस 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 क्या बनेगा, पैरेलल। इज इट क्लियर, समझ में आया क्या, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। एक बढ़िया सा दूसरा एग्जाम्पल लिया है हमने, यहाँ पे क्या है कि हमें ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ये सेम सभी क्वेश्चंस चैप्टर नंबर थ्री में कैपेसिटर की जगह पे रेजिस्टर्स में रिपीट होंगे, सो प्लीज ध्यान से समझना, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, इज इट क्लियर। देखो यहाँ पे क्या है कि ये कैपेसिटर 1 माइक्रो फेराडे 2 माइक्रो फेराडे 1 माइक्रो फेराडे 2 माइक्रो फेराडे 1 माइक्रो फेराडे 2 माइक्रो फेराडे, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हमने कनेक्ट किए हैं, तो हमें ये पूछा है कि व्हाट इज द सी इक्विवेलेंस। ओके एक चीज देखो, हमें ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो ऐसे इनफाइनाइट है, ऐसे इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट है, ठीक है। सोचो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं आपको देख रहा हूँ, और आपके पीछे बहुत सारे पर्संस खड़े हैं, लेकिन पहले जो खड़ा है वही मुझे दिखाई देगा, क्योंकि बाकी सब तो आपके पीछे है। अरे समझ में आ रहा है क्या, तो सेम थिंग यहाँ पे देखो कि मुझे इनिशियल लेवल पे 1 माइक्रो फेराडे और 2 माइक्रो फेराडे ही दिखाई देगा, इसके पीछे एक लंबी लाइन लगी चुकी है, एक लंबी लाइन है, ठीक है।
तो मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूं लेट, मुझे सी इक्विवेलेंस फाइंड करना है ना, लेट सी इक्विवेलेंस इज इक्वल टू एक्स, ये जो पूरा नेटवर्क है उसका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस मुझे कितना मिलता है, एक्स मिलता है। अभी सोचो पूरे नेटवर्क का कितना है, एक्स है इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस, ठीक है। अरे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन है, सपोज मैंने एक लाइन कम भी कर दी तो इसका भी एक्स ही रहेगा ना। अरे तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, उसमें से थोड़े कम कर दोगे तो वो निकले विच वन इज नेग्लिजिबल, तो इसका मीनिंग क्या होता है समझो। यहाँ पे दिस वन इज अवर पॉइंट ए, यहाँ पे ये रहा एक 2 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर और एक ये रहा 1 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर जो मुझे इनिशियल लेवल पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये बाकी का कैपेसिटेंस मैंने क्या एज्यूम कर लिया, सपोज एक्स, ये सभी को क्या एज्यूम कर लिया, सपोज एक्स। समझ में आ रहा है क्या, सी इक्विवेलेंस मीन्स ये दोनों का टोटल टोटल इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस तो एक्स है ही, लेकिन समझो कि 2000 कैपेसिटेंस सीरीज में है, उसमें से शायद एक निकाल लोगे, अदरवाइज 2000 का इक्विवेलेंस निकालो और 2001 का इक्विवेलेंस निकालो, उसमें कुछ मेजर डिफरेंस नहीं आपको दिखाई दे पड़ेगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हो कैपेसिटेंस डिक्रीज होता है। तो ये 2000 इज अप्रोक्सीमेटली 2001, तो यहां से मैंने एक को साइड में निकाल के बाकी का कैपेसिटेंस कितना कितना एज्यूम कर लिया, इक्विवेलेंट टू एक्स एज्यूम कर लिया, इक्विवेलेंट टू एक्स, ये चीज ध्यान में रखना। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। नाउ सी हियर, मोस्ट आईएमपी मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिक्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, वही हमारा आंसर रहेगा, ठीक है। नाउ सी हियर, यहां पे अभी भूल जाओ, ये सभी को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, एक्स एज्यूम कर लिया। अभी ये दोनों किस में आपको दिखाई दे रहे हैं, सीरीज में, किस में, सीरीज में। तो सीरीज में क्या लिखते हैं हम लोग, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन। तो इसका अगर मैं दूसरा डायग्राम ड्रॉ करूँ तो इस टाइप का, चलो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, दिस वन इज ए पॉइंट, दिस वन इज सॉरी दिस वन इज ए पॉइंट, दिस वन इज 1 माइक्रोफेराडे और दिस वन इज, ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा हमारा सीरीज में ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन। ओके समझ में आया क्या, दिस वन इज पॉइंट ए, दिस वन इज पॉइंट बी। एक और बार देख लीजिए यहाँ पे, इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल आए तो देख लो कौन सी पैर रिपीट होती है। तो 1 और 2 ये सिंगल पैर, यहाँ से आप कट करके देखो तो अगेन 1 2 अगेन 1 2 वो इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होती है। तो मैंने क्या कर दिया, एक पैर को बाहर निकाल दिया और बाकी सबको सी इक्विवेलेंस के बराबर एज्यूम कर लिया एक्स। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है क्या, ये चीज़ मेथड ध्यान में रखना। ओके नाउ सी हियर, दिस टू आर पैरेलल, सो हियर 1 माइक्रोफेराडे एंड 2x/2+x आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में क्या करते हैं हम लोग, एडिशन करते हैं, मैंने यहाँ से निकाल दिया, वो हमने लिखा था, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंस हमें क्या मिलेगा, 1+2x/2+x। ओके बट सी इक्विवेलेंस हमने एज्यूम क्या किया है, एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू 1+2x/2+x, एलसीएम निकाल लो, 2+x/2x/2+x, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 2x+x² इज इक्वल टू 2+x/2x। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है क्या, यहाँ से 2x 2x कैंसिल हो जाएगा, सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, x इज इक्वल टू -b + b² - 4ac/2a। तो देखो यहाँ पे क्या आंसर निकलता है, वो x इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू रहती है -1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² का मीनिंग होता है इसका स्क्वायर 1 - 4a, c की वैल्यू है -2 डिवाइडेड बाय 2a, a की वैल्यू है 1। सो व्हाट इज द आंसर, 1+√8/2, सो 1+√3/2। सो x की वैल्यू हमें क्या मिलती है, एक तो मिलती है 4/2 और x की वैल्यू हमें दूसरी मिलेगी -2/2।
नेगेटिव वन, दिस वन इज़ नॉट पॉसिबल, सो वॉट इज़ द आंसर, एक्स इज इक्वल टू टू, तो इसका इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस हमें कितना मिलेगा, टू मिलेगा। समझ में आया क्या? कई बार क्या पूछते हैं, यहाँ पे ये आपको डिजिट नहीं देते, सी 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 सी, अदरवाइज सी टू सी सी टू सी, इस हिसाब से लगते हैं, तो आपका आंसर सी के फॉर्म में आएगा। अगर रेजिस्टर है तो उस हिसाब से वहाँ पे आर के फॉर्म में आंसर आएगा। समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? ओके, सिर्फ ये लॉजिक समझना है, यहाँ तक ये इक्वेशन बन गया, उसके बाद तो मैथमेटिक्स लगता है। समझ में आया क्या? ओके, तो इस हिसाब से आप कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चा लोग, ये समझ में आ गया? देखो मैंने आपके लिए एक होमवर्क में रखा है, सेम इस पैटर्न का एग्जांपल है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको वैल्यू नहीं दिया है, मैंने यहाँ पे सी 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 लिखा है, ठीक है। सेम क्वेश्चन हमें ये पूछा है, फाइंड द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी, और इसका आंसर आता है रूट फाइव माइनस वन इंटू सी डिवाइडेड बाई टू। होमवर्क में ट्राई करना, आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस टाइप के एग्जाम्पल कैसे होते हैं, ठीक है। इस टाइप के एग्जाम्पल में कंसेप्ट ज़रूरी है, यहाँ से तो बाकी मैथमेटिक्स है ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अगर ये समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेना, फिर ये ट्राई करना, डेफिनेटली आप कर पाओगे। इज इट क्लियर? ओके, नोट इट डाउन। ओके चलो आगे सर्किट डायग्राम में और देखते हैं। देखो एक और बढ़िया सा टॉपिक है इसमें, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 3 में एक्चुअल में रिपीट होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, लेकिन इसकी एप्लीकेशन कैपेसिटर में भी है। तो एक्चुअल में व्हीटस्टोन ब्रिज कब बनता है, क्या होता है, वो हम देख लेते हैं ताकि सर्किट डायग्राम सॉल्व करने में हमें ईजी रहे। देखो यहाँ पे सपोज हमें ऐसा बोला हो कि फाइंड द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, और यहाँ पे हमें कोई भी कैपेसिटेंस में ले लेता हूँ 10 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस सिचुएशन में जब होती है तो उसमें क्या होता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होता है, जब हम एक्चुअल में बात करेंगे तो वहाँ पे पोटेंशियल सेम हो जाता है और इस वाली ब्रांच में से कोई करंट फ्लो नहीं होता, उसको हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज इन बैलेंस सिचुएशन। तो एक समझो, ये आपके लिए नया वर्ड है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ नहीं है, एक इंस्ट्रूमेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। उसकी एप्लीकेशन बहुत ही बढ़िया है। देखो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन हम कब यूज़ कर पाएंगे, जब भी हमारे पास सर्किट डायग्राम होगा, वो सर्किट डायग्राम को आपको पहले इस सिचुएशन में अरेंज करना पड़ेगा, आपको पता चलना चाहिए कि यस ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट है। तो वो कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। देखो यहाँ पे सपोज हमें पूछा है कि ये दोनों के बीच में सी इक्विवेलेंस फाइंड करो, क्या फाइंड करो, सी इक्विवेलेंस। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट क्या बोलता है ये समझना, जो भी दो पॉइंट के बीच में, जो भी दो पॉइंट के बीच में आपको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल। मैंने बोला सी इक्विवेलेंस, वहाँ एक बैटरी कनेक्ट कर दो, मैंने बैटरी को कनेक्ट कर दिया, तो सेम थिंग यहाँ पे वी, तो इसका पोटेंशियल वी, इसका ज़ीरो, इसका मीनिंग यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे वी। अभी सोचो यहाँ पे वी, तो यहाँ पे भी वी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी वी नहीं हो सकता, बीच में कैपेसिटर आ जाता है, यहाँ पे भी वी नहीं हो सकता, यहाँ पे भी वी नहीं हो सकता। तो मैंने क्या एज्यूम कर लिया, लेट यहाँ पे एक्स एज्यूम कर लो और यहाँ पे वाई एज्यूम कर लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये वायर का जीरो पोटेंशियल भी नहीं एक्ट करेगा, इसका वी पोटेंशियल भी नहीं एक्ट करेगा। तो समझना यहाँ पे, व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई, ये पोटेंशियल व्हीटस्टोन ब्रिज में सेम हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या होता है, पोटेंशियल एट मीन्स वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई, पोटेंशियल वी एक्स इज इक्वल टू वी वाई, यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अगर यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल सेम हो जाता है तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये कैपेसिटर यहाँ से निकल गया, तो मेरा काम देखो कितना आसान हो गया हो। देखो यहाँ पे दिस वन इज 6 माइक्रोफेराडे 2 माइक्रोफेराडे और दिस वन इज 9 माइक्रोफेराडे, दिस वन इज 3 माइक्रोफेराडे, ठीक है। ये कितना है 6 माइक्रोफेराडे, ये कितना है 2 माइक्रोफेराडे, ये कितना है 9 माइक्रोफेराडे, ये कितना है 3 माइक्रोफेराडे। अभी ये दोनों सीरीज में इसका क्या आंसर आता है 6 अपन 2। तो मैंने आपको सिखाया था, क्या सिखाया था सर, सर ने आपको याद करो, बिग वन अपॉन एन प्लस वन, तो बिग वन ये कितना है 6 अपॉन एन प्लस वन, कितने गुना है 3 गुना। समझ में आ रहा है क्या, एन प्लस वन 6 बाई 4 और यहाँ पे बिग वन अपॉन,
ये कितना गुना है, 3 गुना, तो यहाँ पे भी 4, ये दोनों पैरेलल में एडिशन कर दो, 9 + 6 = 15, 15 / 4, दिस वन इज योर आंसर। समझ में आया? ये यहाँ से तो आप कर सकते हो, लेकिन ये कब यूज होगा ये चीज़ मोस्ट आईएमपी। देखो यहाँ पे वेस्टर्न ब्रिज कब बनता है, तो पहले सर्किट को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, समझना अभी। इसका रेशियो 6:9 और इसका रेशियो सेम आना चाहिए। देखो 6:9 2:3 होता है, तो ये भी 2:3 है। अगर ये रेशियो सेम आया तब भी यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा, तब भी वो वेस्टर्न ब्रिज सिचुएशन कहलाएगी। अगर यहां पे ये 6:9 और 2:3 इक्वल नहीं आए तो ये वेस्टर्न ब्रिज नहीं कहलाएगा। ये मेन की पॉइंट ध्यान में रखना, वेस्टर्न ब्रिज कब कहलाएगा, ये जब ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो। कई बार बच्चे क्या कर रहे हैं पता है, कई बार देखो इस टाइप की सिचुएशन होती है, देखो दिस वन इज 2:1 और एक कैपेसिटर यहाँ पे दिया है और एक कैपेसिटर यहाँ पे दिया है, ठीक है। दिस वन इज सेम डेटा है 6, 2, 9, 3 और यहाँ पे दिया है 10। बच्चे वेस्टर्न ब्रिज अप्लाई करके आ जाते हैं, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, इसमें वेस्टर्न ब्रिज अप्लाई नहीं होगा। द वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, इसमें वेस्टर्न ब्रिज अप्लाई नहीं होगा, ध्यान से समझना। वेस्टर्न ब्रिज कब अप्लाई होगा, जब जिस पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड करने को बोला है और ये इससे परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो ए और बी के बीच में बोला है तो ये ऐसे है, परपेंडिकुलर मीन्स ऐसे हो तो चलेगा, ऐसे हो तो चलेगा, लेकिन अलोंग द ए भी नहीं होना चाहिए, ये वेस्टर्न ब्रिज नहीं बनता। समझ में आ रहा है क्या, वेस्टर्न ब्रिज कैसे बनेगा वो, इज इट क्लियर? ओके, एक चीज ये रखना कि ये अलोंग द ए बी होना, मींस परपेंडिकुलर टू द ए बी होना चाहिए। और दूसरी चीज ये ध्यान में रखना कि इसका रेशियो, ये जो है ये जो लाइन बीच में होगी उसके लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का रेशियो। अदरवाइज आप ऐसा भी सोच सकते हो, 6 × 3 = 18, 9 × 2 = 18, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेम आए तो भी वो क्या बन सकता है, वेस्टर्न ब्रिज बन सकता है। इज इट क्लियर? वेस्टर्न ब्रिज का कंसेप्ट कब यूज करेंगे वो समझ में आया क्या? देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाने का ट्राई किया है, सेम कुछ नहीं करना है, सब आपको समझ में आना चाहिए कि दिस वन इज वेस्टर्न ब्रिज। सेम कंसेप्ट रेजिस्टर में भी आएगा। देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दो, मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी, ठीक है, बैटरी V, इसका पोटेंशियल यहाँ पे V, यहाँ पे 0। तो देखो आप यहाँ पे पोटेंशियल कितना रहेगा, V, यहाँ पे पोटेंशियल कितना रहेगा, 0। समझ में आया क्या? ओके, नाउ देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ से आगे जाते हो कैपेसिटर आ जाता है, नहीं काम आएगा, यहाँ से आगे जाओ कैपेसिटर आएगा तो यहाँ पे भी नहीं काम आएगा, ठीक है। तो दो पॉइंट ऐसे है जहाँ पे पोटेंशियल मिल ही नहीं रहा, एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला, तो इसको मैंने एज्यूम कर लिया एक्स, इसको मैंने एज्यूम कर लिया वाई, यू अंडरस्टैंड? एक को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, एक्स, दूसरे को मैंने एज्यूम कर लिया वाई। नाउ सी हियर, दिस वन इज पॉइंट वी, दिस वन इज पॉइंट 0, दिस वन इज पॉइंट एक्स एंड दिस वन इज पॉइंट वाई। बस सिर्फ आपको अरेंज करना है, देखो वाई और वी के बीच में एक, तो ये रहा y और v के बीच में एक कैपेसिटर, x और y के बीच में एक कैपेसिटर, तो एक x और y के बीच में एक कैपेसिटर, वो 8 वाला है, ठीक है। नाउ x और v के बीच में एक कैपेसिटर, x और v के बीच में एक कैपेसिटर, नाउ 0 और x के बीच में एक कैपेसिटर, 0 और x के बीच में एक कैपेसिटर, और नेक्स्ट वन यहाँ पे तो 0 रहेगा ना, 0 और y के बीच में एक कैपेसिटर, 0 और y के बीच में एक कैपेसिटर, ओके। ये सभी कैपेसिटर्स कितने के हैं, 4, 4, 4, 4, और ये दोनों के बीच में मुझे फाइंड करना है पोटेंशियल 0 और v के बीच में। समझ में आया, 0 और v के बीच में, तो ये देखो वेस्टर्न ब्रिज बन गया, इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या, ये दोनों सीरीज में, इसका जो आंसर आएगा वो पैरेलल में। तो इसका डायग्राम, नेक्स्ट डायग्राम कैसा बनेगा, देखो ऐसे बनेगा, ये रहा ये 4-4 सीरीज में, तो ये 4-4 सीरीज में, ये 4-4 भी सीरीज में, 4-4 सीरीज में, ओके, 4-4, 4-4, इसका सॉल्यूशन कर देना जो आएगा वो आपका आंसर। सीरीज में तो ये बनेगा, चलो कर देता हूँ नीचे में, ये 4-4, 4-4 सीरीज में, तो इसका आंसर बनेगा 2, सेम इसका आंसर भी बनेगा 2, ये पैरेलल में, इसका एडिशन होगा 4, सो सी इक्विवेलेंस हमें क्या मिला,
4 मिला। अरे समझ में आ रहा है क्या? सिंपल कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी तो सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला तो वो हमें आता ही रहेगा। इज इट क्लियर? ओके, देखो एक्चुअल में व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अगर ये सिचुएशन फॉलो होती है, C1 अपॉन C3 इज इक्वल टू C2 अपॉन C4, मैंने यही आपको सिखाया। देखो यहाँ पे ये C1 C2 C3 C4, ये दोनों का रेशियो इज इक्वल टू ये दोनों का रेशियो आना चाहिए। सेम थिंग देखो यहाँ पे, जहाँ पे ये वायर है ये वाला, देखो यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सेम आना चाहिए। तो इसमें आता है 4 4 16, 4 4 16, इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? देखो इसका एक्चुअल थियरी कंसेप्ट क्या है वो, सपोज देर आर 4 कैपेसिटर्स C1 C2 C3 C4, बीच में एक कैपेसिटर रखा है C, ठीक है। तो यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा Q, तो Q यहाँ से डिवाइड होगा Q1 Q2, यहाँ से भी निकलेगा ये Q2 और यहाँ से भी निकलेगा वो Q2, ठीक है। अगर मैं इस वाले ब्रांच की बात करूँ तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ होता है, तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मीनिंग क्या होता है कि ये पोटेंशियल हायर है, ये पोटेंशियल लोअर है। हमारे पास एक फार्मूला है V इज इक्वल टू क्यू बाई सी, तो चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा। वी विल राइट V माइनस एक्स इज इक्वल टू Q1 अपॉन C1, V माइनस एक्स इज इक्वल टू Q1 अपॉन C1। समझ में आ रहा है क्या? सिमिलरली चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, सो V माइनस एक्स इज इक्वल टू Q2 अपॉन C3 फॉर दिस ब्रांच। ओके, नाउ अगर मैं चार्ज Q1 यहाँ से यहाँ गया, अभी यहाँ से यहाँ आएगा, तो यहाँ हायर पोटेंशियल ये होगा, लोअर पोटेंशियल ये होगा, सो x माइनस जीरो इज इक्वल टू Q1 अपॉन C2, यहाँ पे Q1 आएगा, Q1 चार्ज फ्लो करेगा। सिमिलरली ये वाला Q2 यहाँ से यहाँ जाएगा, x माइनस जीरो इज इक्वल टू Q2 अपॉन C4, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, देखो ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों को मैंने इक्वाट कर दिया, तो इक्वाट किया तो मुझे ये वाला मिला। सेम यहाँ पे ये दोनों इक्वल है तो इसको इक्वाट किया, तो इसको इक्वाट किया तो मुझे ये वाला मिला, ठीक है। नाउ Q1 अपॉन Q2 इसको इक्वाट कर दो, तो C1 अपॉन C3 इज इक्वल टू C2 अपॉन C4। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन हमें मिल गई। जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस सिचुएशन में होगा तो इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या? बैलेंस सिचुएशन में व्हीटस्टोन ब्रिज कब होता है, तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। दिस वन इज वेरी वेरी मोस्ट IMP। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ओके, तो इस टाइप के सर्किट डायग्राम भी पूछ सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के, ध्यान में रखना। ओके, आप प्रैक्टिस करना, आ जाएगा। ओके, प्लीज पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। सो दिस वन इज अवर नेक्स्ट टॉपिक इन सर्किट प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे इस टाइप की अब हमें कैपेसिटर की प्लेट दी होगी, ठीक है। ये कैपेसिटर की सिंगल प्लेट है। कैपेसिटर कब बनता है? दो प्लेट मिलके। तो हमें ये पूछा है, अगर ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, और इस हिसाब से हमें प्लेट अरेंजमेंट करके दिया है, तो हमें ये बोला है कि फाइंड द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, और सभी प्लेट का एरिया ए है, और डी क्या है, ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस, ये डी है, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस। ओके, सेम मेथड, कोई चेंज नहीं। क्या करने का सर, बोलो। देखो यहाँ पे पहले बैटरी कनेक्ट कर दो, जहाँ पे भी आपको पोटेंशियल चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी। देखो यहाँ पे बैटरी का यहाँ पे पोटेंशियल वी, लोअर पोटेंशियल जीरो। तो इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आया, वी पोटेंशियल, इस पॉइंट पे कितना आया, जीरो। सर ये पॉइंट पे पोटेंशियल नहीं मालूम, जहाँ पे भी अटको वहाँ पे एक्स डाल दो। ओके, टेंशन नहीं लेने का। ओके, नाउ सी हियर, दिस वन इज जीरो, दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वी। ओके, नाउ एक्स और वी के बीच में कितना पोटेंशियल, एक सॉरी कैपेसिटर। ये एक्स और वी, ये कितने कैपेसिटर बनाएगी, एक कैपेसिटर बनाएगी। समझ में आ रहा है? ये कैपेसिटर की प्लेट है, ये कैपेसिटर की प्लेट मिलके एक कैपेसिटर बनाएगी, ये मिलके एक कैपेसिटर बनाएगी। तो V और X, X और V के बीच में एक कैपेसिटर, X और V के बीच में दूसरा कैपेसिटर, और जीरो और X के बीच में, जीरो और X के बीच में एक तीसरा कैपेसिटर, और सभी का कैपेसिटेंस C है अभी तो, ठीक है। याद करो, दो प्लेट, पैरेलल प्लेट जब कैपेसिटेंस बनाती थी तो उसका फॉर्मूला बनता था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, याद हो तो आपको। ओके, तो लास्ट में जब भी जो सी बचे वहां पे क्या रिप्लेस करेंगे हम, दिस वन। ओके, नाउ सी हियर, इसका फाइनल आंसर हमें इक्विवेलेंस निकालना है। तो सी इक्विवेलेंस क्या निकलेगा बच्चा लोग, ये तो सी है ही, इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, देखो ये पैरेलल में है तो ये रहा जीरो,
ये रहा c, पैरेलल में एडिशन होता है, एडिशन में होगा 2c, ये v, ये दोनों किस में है अभी, सीरीज में है, तो व्हाट इज़ द आंसर, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ चलो, सो c इक्विवेलेंस इज इक्वल टू ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन, सो व्हाट इज़ द आंसर, 2c बाई 3, c की जगह पे क्या रिप्लेस कर दोगे, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, सो अवर आंसर इज c इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 2/3 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया एक और एग्जांपल आपके लिए है, देखो सेम थिंग सेम डेटा, कुछ नहीं करना है, बैटरी कनेक्ट करो, बैटरी कनेक्ट किया, बैटरी का पोटेंशियल कितना, v, इसका मीनिंग इस प्लेट पे v पोटेंशियल और इस प्लेट पे जीरो पोटेंशियल, सर अगेन एक बार यहाँ पे अटक गए, कोई बात नहीं, सेम प्लेट है, x एज्यूम कर लो, ठीक है, नाउ सेम थिंग, देखो यहाँ पे जीरो x v, x और v के बीच में x और v एक कैपेसिटर बनाएगी, जीरो और v, जीरो और v एक और कैपेसिटर बनाएगी, जीरो और x, जीरो और x एक और कैपेसिटर बनाएगा, तो हमें पता है, क्या पता है सर जी, ये किस में है, पैरेलल में है या सीरीज में है, तो सीरीज में है सर जी, तो ये सीरीज में, ठीक है, ये तो c है ही, ये दोनों सीरीज में, सीरीज में इसका आंसर क्या निकलेगा, c प्लस सी, तो ये बनेगा मेरे लिए c बाई टू, क्या बनेगा c बाई टू, अरे यार ये दोनों सीरीज में है तो c डैश क्या निकलेगा इसका, ऊपर मल्टीप्लीकेशन नीचे एडिशन, सी बाई टू, सी बाई टू, अभी ये दोनों किस में, पैरेलल में, पैरेलल में क्या बनता है सर जी, एडिशन बनता है, तो c प्लस सी बाई टू, वॉट इज़ द आंसर, 3c बाई टू, बट c इज इक्वल टू वॉट, वी नॉट नो दैट एप्साइलॉन नॉट a बाई डी, सो वॉट इज़ द आंसर, c इक्वेलेंस इज इक्वल टू 3/2 एप्साइलॉन नॉट a बाई डी, सर अब भी समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये क्वेश्चन एम्स में पूछा था, सेम थिंग, इस टाइप की प्लेट्स का अरेंजमेंट किया है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट 0.085 सेंटीमीटर, तो पहले इसको कन्वर्ट कर दो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.855 10 रेज टू माइनस टू और 8.55 इंटू सॉरी 8.85 8.85 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मीटर और इसको लिख दो 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 मीटर स्क्वायर, चलो ये काम तो ख़त्म हुआ, अभी हमें क्या करना है कि इसके बीच में पोटेंशियल सॉरी इक्विवेलेंस निकालना है, कोई बात नहीं सर बैटरी जॉइंट कर दो, ये बैटरी हम लोगों ने जॉइंट किया, बैटरी का मीनिंग क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V मीन्स बड़े डंडे पे V छोटे डंडे पे जीरो, तो यहाँ पे पोटेंशियल V रहेगा, यहाँ पे V रहेगा, यहाँ पे V, यहाँ पे V, यहाँ पे V, सेम थिंग यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जीरो मीन्स यहाँ पे जीरो, 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 नाउ सी हियर जीरो और V एक प्लेट, अगेन V जीरो दूसरी जीरो V, V जीरो जीरो V, V जीरो जीरो V, V जीरो, तो सभी प्लेट जीरो और V के बीच में ही है, तो देखो दिस वन इज जीरो दिस वन इज V, तो जीरो और V के बीच में एक प्लेट, जीरो और V के बीच में दूसरी प्लेट, जीरो और V के बीच में तीसरी प्लेट, ऐसे ही चौथी प्लेट, ऐसे ही फिफ्थ सिक्स सेवेंथ एट, टोटल एट प्लेट है जीरो और V के बीच में, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है, तो सभी पैरेलल में है, तो व्हाट इज़ द C इक्विवेलेंस, हमें पता है पैरेलल में एडिशन होता है, तो 8C 8C सभी का कैपेसिटेंस C C C है, तो क्या होगा 8C, C इज इक्वल टू व्हाट, वी नो दैट एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू रिप्लेस कर दो 8, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है सर, वो भूल गए हम, 8.85 इंटू 10 रेज टू माइनस 12, एरिया कितना दिया है 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, डी कितना है 8.85 इंटू 10 रेज टू माइनस 3, बस खत्म, देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये माइनस 3 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 9, माइनस 9 माइनस 4 माइनस 13, 8.5 40 इंटू 10 रेज टू माइनस 13, सो 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 12, सो C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 4 पीको फेराडे, दिस वन इज अवर आंसर, इज इट क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा, इस टाइप के एग्जाम्पल की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सर यहाँ पे 5 या 6 प्लेट आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है,
सेम मेथड, नो चेंज. इज इट क्लियर? ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर यह लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो. ओके, आगे बढ़ो लाइफ में. थैंक यू सो मच.